गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है गाइज चंडीगढ़ में मेरा सेकंड दिन। तो भाई आज अपन लोग करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। तो अभी हूँ मैं चंडीगढ़ में गाइज, ये वाला चौक है जो अभी मुझे जाना है भाई PGI की साइड। तो देखते हैं कहाँ कहाँ खुला है, कहाँ कहाँ खुला नहीं है। फिलहाल भाई चंडीगढ़ में कल आ गया था, तो भाई आज मतलब डे टू है चंडीगढ़ का। और चंडीगढ़ का मौसम भी भाई कई दिनों से खुला नहीं है, दो तीन दिन थोड़ा बहुत धूप थी। तो आज मेरा सेकंड दिन है चंडीगढ़ में। तो कुछ भी कहो भाई, चंडीगढ़ की रोडों का ना मज़ा ही, रोड का मज़ा ही अलग है भाई। देखो कितनी क्लीन रोड है यार। और मौसम तो इसको बिल्कुल मतलब ठंड तो है भाई पर कोहरा लगा हुआ है। सुखना लेक मैंने पता किया था, सुखना लेक भाई मॉर्निंग में खुल रहा है वॉकिंग के लिए और इवनिंग में खुल रहा है। ये कुछ नज़ारे हैं गाइस चंडीगढ़ के। और चंडीगढ़ में भाई मतलब बहुत ही सेट मौसम हो रखा है अभी। हाथ देखो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम राइडिंग ये ड्यूक बाइक। तो भाई सेकेंड बार चला रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है और क्या क्या नज़ारे हमें मिल पाते हैं भाई यहाँ पे। भी लोगों से अभी तक पता किया है ना, सब यही कह रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ बंद है और काफ़ी सारी जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो लगभग बंद ही हैं। तो देखते हैं भाई, अभी मैं PGI में अभी हॉस्पिटल में आया था, मेरा कुछ काम था भाई, वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट वगैरह दिखानी थी। तो OPD वगैरह सारी बंद है, तो उन्होंने एक नंबर वगैरह दे रखा है कि इससे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, डॉक्टर वगैरह से बात ऑनलाइन हो जाएगी सारी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे कोई कह रहा है हाँ खुले हैं, कोई कह रहा है बंद है। गूगल में तो यही आ रहा है कि भाई ओपन है सारे, रोज़ गार्डन वगैरह है। सुखना लेक का तो है सुबह से, हम वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, बाकी तो बंद है। तो अभी फ़िलहाल रॉक गार्डन चलते हैं और देखते हैं भाई वहाँ खुला है कि नहीं है। भाई किस्मत ही ऐसी है, क्या करें भाई, माड़ी है किस्मत अपनी। तो चलिए चलते हैं। बाकी आज अपने भाई की बाइक ला रखा है भाई, थोड़ा सा इसमें मज़े ले रहे हैं और राइड के मज़े लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ एक्सप्लोर हो पाता है। अब चलते हैं भाई अपन लोग रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में वैसे विजिट कर रखा है भाई, पहले से घुमाया, पर उस टाइम पे अपन लोग ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाते थे। तो देखते हैं भाई अगर रॉक गार्डन खुला हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है भाई रॉक गार्डन, अगर वहाँ खुला हुआ था तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा भाई आप लोगों को। और अगर नहीं हुआ भाई तो ये आप लोगों की किस्मत है और मेरी भी किस्मत है, लेट्स सी कैसी किस्मत है हमारी भाई। ला 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 ला। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं, रॉक गार्डन पीछे है, पीछे कहाँ, पीछे पीछे है, वहाँ पे तो पीछे है, गली है वहाँ पे। यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है। पक्का पक्का बताया आपको, यहाँ से भी है ना रास्ता। हाँ एक है आंटी जी, रॉक गार्डन इस साइड है, पीछे से है, यहाँ से नहीं है एंट्री। ओके ये बैक साइड है, यहाँ से एंट्री नहीं है। अच्छा अच्छा एंट्री नहीं थी, मतलब यहाँ से राइट साइड से है। हाँ इस साइड जाना पड़ेगा फिर। थैंक यू आंटी। गेट नंबर 2 सामने देखो, अभी वो वाली जो लोकेशन थी बैक साइड थी, GPS ने बैक साइड वाला ले लिया, क्योंकि भाई वो तो गेट नंबर दिखाया नहीं, एरिया दिखा रहा है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पर आ गया। बाकी भाई यहाँ देखते हैं, अगर खुला हुआ तो मज़ा ही आ जाएगा। ये है भाई रॉक गार्डन की पार्किंग,
बाकी देखते हैं अंदर खुला है कि नहीं खुला है भाई। आई होप खुला हो यार, हम भी घूम पाए, नहीं तो ये ट्रिप बेकार में चली जाएगी हमारी। तो यार मुझे लग रहा है ना अपनी किस्मती झंड चल रही है शायद। यहाँ पे रॉक गार्डन का ये था, ये पत्थर में लिखा था जब बहुत साल पहले मैं आया था ना, 3-4 साल पहले, ये वाला पत्थर था यहाँ पे, इसमें लिखा होगा भाई देख लो, नेक चंद द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे सा ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बंद है, रॉक गार्डन क्लोज टिल द फर्दर ऑर्डर। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। देखा ऐसे ही कला आकृति ना अंदर दिखाई गई थी, इसमें देख रहे हो ना ये छोटी छोटी टाइलें लगी हुई थी, लेकिन जो अंदर था अंदर काफ़ी सही था, मतलब बहुत अच्छा था यार, मतलब जो वेस्ट मटेरियल था ना उससे बनाया गया था। लेकिन भाई क्या करें, अभी किस्मत ही ख़राब चल रही है, तो हम भी क्या कर सकते हैं भैया, हम तो आ गए थे यहाँ पे टाइम से, लेकिन क्या करें। तो छोटी मोटी फ़ोटो वगैरह दिखा दूंगा भाई, अब क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे न्यू व्यूअर भी होंगे जो टिकट को लेके कोई संदेह होगा, तो टिकट वगैरह के लिए आप देख लो भाई, टिकट की एंट्री एडल्ट के लिए 30 रुपये है, और चिल्ड्रन जो 3 से 10 साल की एज के हैं उनके लिए 10 रुपये चार्ज है। तो भाई ये देख रहा था, अभी चेक कर रहा था कोई मुझे नई लोकेशन मिल जाए, तो एक नियर बाई में दिखा रहा है भाई, ये बटरफ्लाई पार्क है कोई, तो यहाँ चलता हूँ, क्या पता यहाँ खुला हो। नहीं तो भाई सुखना लेक अपनी सुबह से खुली है, सुबह मतलब 2-3 घंटे सुबह खुल रही है और शाम को खुल रही है 2 घंटे वॉक के लिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, आगे हम घूमेंगे सुखना लेक और आपको दिखाऊंगा बटरफ्लाई पार्क जो कि बहुत ही अमेजिंग, 2 व्लॉग अमेजिंग होने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, बताना कि कौन सा वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।